तीन कृषि कानूनों को वापस कराने के बाद आंदोलन स्थगित कर लौटे किसान एक साल बाद फिर से रविवार को झज्जर में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और इसी बीच फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा देते हुए वीएम सिंह ने बहादुरगढ़ में इकट्ठा हुए किसान संगठनों से भी संगठित होकर आंदोलन चलाने के लिए कहा और इसी आंदोलन के दौरान बहादुरगढ़ में किसान संगठनों ने किसान आंदोलन वापिस की पहली बरसी पर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। देखिए, जो आपने आंदोलन की बात करी है, यह आंदोलन तो यही पंजाबखोर गांव से चालू हो गया था। यहां से 4-5 किलोमीटर दूर होगा, 6 किलोमीटर दूर होगा, पता नहीं कितना दूर है। और उसमें यह है कि गांव-गांव एमएसपी, एक गांव से, यह गांव ऐतिहासिक है, ये नहीं कि मेरा गांव है इसलिए नहीं, पर लियाकत अली खान जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनसे तबादला हम लोगों का हुआ था, उनका गांव है, उनके नाम से जाना जाता था। एक ऐतिहासिक चीज़ है, एक ऐतिहासिक गांव से देश के सारे गांव के अंदर एक मैसेज जा रहा है, हर घर में मैसेज जा रहा है कि जिसको एमएसपी चाहिए खड़ा हो। और गांव-गांव में अगर होर्डिंग लग जाएंगे, गांव-गांव में प्रभात फेरी निकल जाएंगी, गांव-गांव में बच्चे घूमेंगे हमें चाहिए एमएसपी, हमें चाहिए एमएसपी, एक माहौल बनेगा। प्रधानमंत्री को हर गांव से चिट्ठी अगर आएगी तो कौन नकार देगा आपको? माहौल बनाने की बात है, अब आंदोलन जो है ये माहौल बनाने का है। और मैं कहा गाँव के अंदर ही अगर आप घूम लेंगे, हर गाँव आज 6.5 लाख गाँव हैं, 6.5 लाख गाँव अगर एक हो जाएंगे इस मुद्दे के ऊपर, जहाँ हम हर स्टेट में जा रहे हैं, इसके बाद 18 तारीख में देहरादून में है उत्तराखंड का, 19 तारीख पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का है, 20 तारीख हरियाणा है, 21 तारीख ये मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा की तरफ है, उत्तर प्रदेश में हम 6-7 जगह कर रहे हैं इसको, कि जितना फैलाव आएगा, जितना फुटाव होगा, उतना ही माहौल बनेगा, और जितना माहौल बनेगा उतनी हमें उम्मीद है कि सरकार हमें एमएसपी के गारंटी कानून देगी। कमेटी बनाई है, उससे कितने होंगे? कमेटी किस चीज़ की है? आप एजेंडा तो देखो, एमएसपी की बात ही नहीं है, एजेंडा तो देखो उसका, ये तो ढोंग है। अब वो वही चाहते हैं जैसे यस नो वाले आ गए थे, ये भी यस नो वाले ही हैं। 26 में से 21 लोग तो ऐसे हैं, या तो अधिकारी हैं या सरकारी हैं, क्या उम्मीद कर सकते हो आप? इसलिए किसान को खुद लड़ना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा, ये यज्ञ है, इसमें हर किसान को आहूति देनी पड़ेगी। बहुत पहले छोड़ दिया था, अंतिम दौर पे नहीं छोड़ा था, मैंने छोड़ा था 27 जनवरी को, मैंने साफ कहा था, और आप रिकॉर्डिंग अपने अपने निकाल लें अपने अपने चैनल से, मैंने साफ कहा था हमारा मुद्दा एमएसपी का था, और यहाँ से जाओ अपने अपने गांव के अंदर आमरंशन करो, और जब तक आपको गेहूं के अंदर एमएसपी ना मिले आप हटना नहीं वहाँ से। और हमने एमएसपी लिया वहाँ पर, हमारा पहले भी, जब मैं राजनाथ सिंह खड़ा तो मैंने किया था ना पूरा का पूरा, पंजाब वाले आने को तैयार नहीं थे, हरियाणा आने को तैयार नहीं था, जब 27 अक्टूबर सबको दिल्ली बुलाया था तो सबके नखरे हमने सहन करके बुलाया था। संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी बनाई थी, मैं था, राजू शेट्टी था, गुरनाम थे, राजेवाल, और उनके कहने पर योगेंद्र को डाला था, आज एक भी नहीं है उनमें से, पर उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा है पुरानी बातें छोड़ो, क्योंकि उस समय कोरोना के बाद 3 बार मुझे कोरोना हुआ, सबको मालूम है, बहुत बुरे हाल थे मेरे, ऊपर वाले ने सेवा लेनी थी तो छोड़ दिया मुझे, वरना मेरे साथी थोड़े ऊपर चले गए कोरोना वाले तो। पर मेरा कहना बड़ा सीधा है कि अगर हम लोगों को करना है कुछ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इकट्ठा होकर इस लड़ाई को इकट्ठा लड़ना पड़ेगा, यही से एक संदेश देना चाहता हूँ, वही सच्ची श्रद्धांजलि इन जो लोग जो 735 हैं, 36 हैं, मालूम नहीं है उनको, और प्रदीप धनखड़ जो किसान नेता एक एक मरे थे। यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हैं, और जो हमारे 735 किसान शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। और जब इस सरकार को ये कानून वापस ही लेने थे, अगर ये इनको जब ही ले लेते तो ये 735 किसान शहीद ना होते, ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे किसान शहीद हुए हैं। और जितनी नीतियाँ हैं वो सारी किसान के विरुद्ध हैं, और हम वही डिमांड सरकार से पहले दिन से कर रहे हैं जो इन्होंने कहा था कि होना चाहिए। मोदी जी जब खुद एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, इन्होंने 7वें दौर की बातचीत में कहा कि हम बिजली अधिनियम वापस लेते हैं, पराली पत्ती का कानून वापस लेते हैं, फिर उसी को लेकर क्यों वापस आ रहे हैं?
और इन्होंने जब आंदोलन समाप्त किया, कहा कि हम किसानों के मुकदमे वापस लेंगे, किसानों को शहीद का दर्जा देंगे और उनके परिवार को मुआवजा देंगे, लेकिन वो कोई भी बात नहीं हुई है। किसान को ठगने का काम इस सरकार ने किया है, किसान को धोखा देने का काम इसने किया है। जब ये विपक्ष में थे तब ये हमारे मंचों पर आते थे और हमारी बातों को सुन के हम हाँ से हाँ मिला के हमारे कंधे पर पैर रख के जब ये सरकार में पहुँच गए, ये आज रणनीति बन रही है। लगातार संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हो रहा है और जल्द ही MSP को लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है। जो पीछे किसान आंदोलन रहा था उसमें शहादत दी गई थी, हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उन्होंने अपनी शहादत दी। आज पूरा किसान कौम, पूरे प्रदेशों से कई प्रदेशों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। आगे की ये रणनीति तय की गई है SKM के द्वारा, जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसने रणनीति बनाई है कि भाई सरकारों ने जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, सरकार ने हमसे वायदा किया, हमको इसलिए घर भेजा, सरकार ने कहा जी जो कृषि कानून के नाम पे वाणिज्य के कानून लाए थे, 3 काले कानून थे, वो काले कानूनों को रिपील कर दिया, देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि उन कानूनों को खारिज कर दिया, चलो अच्छी बात है। उसके बाद हमने पराली कानून था एक, बिजली कानून था एक, किसानों पे मुकदमों में किसानों को लादे गए थे ज़बरदस्ती, उन मुकदमों को खारिज करने की बात थी। MSP की बात थी कि हम किसान चाहता था MSP पे गारंटी कानून सरकार बना के दे, सरकार ने कहा इस पे एक कमेटी गठित करेंगे, लेकिन कमेटी में होता क्या है कि ऐसे 26 लोगों को नाम जाने थे, उसमें से ऑलरेडी 21 ऐसे लोगों को जोड़ा जो सरकार के ही कहीं ना कहीं से पिट्ठू थे, उनका किसान आंदोलन से, देश के किसान से, देश की किसान कौम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे आंदोलन दोबारा शुरू करना? नहीं, दोबारा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, क्या करें, सरकार को छुट्टल छोड़ दें, सरकार वादा खिलाफी करती रहती है, आम उपभोक्ता को, आम जन को, देश की किसान को, भाई भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे कृषि प्रधान देश में किसानों का उत्थान के बजाय किसान का नुकसान हो रहा है। आंदोलन कैसे, क्या स्वरूप रहेगा, कब होगा? नहीं, किसान अभी बैठा है, एक मंच पे बैठे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, ये तारीख तय कर की जाएगी, अगली एक मीटिंग फिर संयुक्त मोर्चा की बुलाई जाएगी जिसमें सभी बहादुर क्रांतिकारी साथियों को सम्मिलित किया जाएगा, उसमें एक मत से ये फैसला लिया जाएगा कि किसान आंदोलन किस तारीख को, किस जगह से, किस रूपरेखा में तैयार करें, उसका हमें लोग एक ड्राफ्ट